हेलो ब्यूटीफुल बेब्स आउट देयर, वेलकम बैक टू माय चैनल इट्स मेकओवर टाइम। आज के इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ बहुत ही ब्यूटीफुल आउटफिट का रिव्यू प्लस ट्राई ऑन। मैं पहन के भी दिखा दूंगी कि लगता किस तरह से है मुझ पे ये। एंड मैंने इस आउटफिट में अपनी काफ़ी सारी पिक्चर्स इंस्टाग्राम पे ऑलरेडी शेयर की हैं एंड आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आया था ये आउटफिट, तो सोचा मैं शेयर कर दूँ आपसे इसका रिव्यू। सो इस आउटफिट को लेने के 3 रीजंस थे मेरे पास। पसंद मैंने इसे किया था, बट इसे गिफ्ट किया मुझे मेरी सिस्टर ने मेरे बर्थडे पे। सो ये मेरा बर्थडे गिफ्ट है एंड 3 रीजंस थे इसे बाय करने के और पसंद करने के। ये येलो कलर में है एंड जब भी मैं येलो कलर पहनती हूँ अपने फोटोज़ एंड वीडियोज़ में, आप लोगों की तरफ से मुझे बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं। जो सेकेंड रीज़न था वो ये कि ये एक कुर्ता स्कर्ट एंड दुपट्टा सेट है। इस तरह का सेट मेरे पास था नहीं, मैं चाहती थी एक न्यू एथनिक आउटफिट अपने वार्डरोब में ऐड करना इस तरह का। सो ये रीज़न था कि कुर्ता स्कर्ट दुपट्टा सेट है। एंड जो थर्ड रीज़न ये था कि जब भी मैं कोई आउटफिट बाय करती हूँ न्यू, तो मैं थोड़ा प्लान कर लेती हूँ कि कितना मैक्सिमम यूज़ मैं ऐसा कर सकती हूँ। दैट मीन्स कि मिक्स एंड मैच करके मैं न्यू आउटफिट लुक्स क्रिएट कर सकती हूँ या नहीं, मल्टीपल वेज में इन्हें वेयर कर सकती हूँ ताकि मैं अच्छी तरह से उस कपड़े को पहन पाऊँ। ऐसा ना हो कि एक दो बार पहना या रखा रह जाए। सो इस आउटफिट के साथ मुझे काफ़ी सारी संभावनाएँ नज़र आईं। सो वो मैं बताऊँगी आपको किस तरह से मैं इन्हें मल्टीपल वेज में वेयर करने वाली हूँ। एंड इसमें जो प्रिंट है वो है फॉइल प्रिंट, एंड आप किस तरह से फॉइल प्रिंट वाले कपड़ों की केयर कर सकते हैं वो भी इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगी। सो इस वीडियो को देखते रहिए एंड तक। सबसे पहले मैं आपसे शेयर कर देती हूँ इसकी कुर्ती। सो ये बहुत ही ब्यूटीफुल वाइब्रेंट येलो कलर में है एंड इस तरह से छोटी छोटी इसमें ऑल ओवर बूटियाँ बनी हुई हैं। ऑल ओवर इसमें फॉइल प्रिंट दिया हुआ है। इसका फ्रंट नेक इस तरह से राउंडेड एंड इसका जो बैक है वो टोटली पैक है। इसकी स्लीव्स हैं 3/4 एंड आप देख सकते हो इस तरह से इसमें रफल्स और फ्रिल्स दी हुई हैं। सेम पैटर्न आपको मिल जाएगा इसके स्कर्ट में। एंड कुर्ती की भी बात कंप्लीट नहीं हुई है, कुर्ती में आपको इस तरह से मिल जाएगा एंड थोड़ी सी लॉन्ग है ये कुर्ती। ये एप्पल कट है इसमें, इसके पैनल में कुर्ती के और बॉटम में, एंड सेम फ्रिल्स और आपको यहाँ पे इस तरह की रफल्स दिए हुए हैं। सो एक मुझे बहुत ही अच्छा डिफरेंट और न्यू यूनिक डिज़ाइन लगा। सो ये मुझे डिज़ाइन पैटर्न काफ़ी ज़्यादा पसंद आया था। सो ये रही इसकी कुर्ती। एंड जो इसका स्कर्ट है वो कुछ इस तरह से है, ये अनारकली और कलीदार स्कर्ट है। ये काफ़ी अच्छा फ्लेयर, इसका घेर बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। सो इस तरह से एडजस्टिंग आपको यहाँ पे एक डोरी मिलती है, तो आप अपनी वेस्ट लाइन पे इसे अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो। काफ़ी अच्छी लंबी डोरी दी हुई है एंड इस तरह से इसके क्लॉथ टेसल हैं एंड साइड में आपको चेन भी मिल जाती है यहाँ पे। एंड इसका जो मटेरियल है इसकी कुर्ती एंड स्कर्ट का, वो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है, सॉफ्ट रेयन मटेरियल है। मैं कहूँगी समर्स के लिए परफेक्ट होता है, काफ़ी सॉफ्ट एंड कॉम्फी होता है। सो अपने ट्रैवल टाइम पे भी मैंने इसे वेयर किया है एंड महाराष्ट्र ट्रिप था मेरा लास्ट शिरडी औरंगाबाद का। सो काफ़ी तेज़ धूप थी, मैंने कंफर्टेबली इसे वेयर किया। एंड रेयन की खासियत ये होती है कि कंफर्टेबल तो होते ही है, प्लस आपको गर्मी बिल्कुल भी नहीं लगती है या बहुत कम लगती है। तो अगर आप समर आउटफिट्स ले रहे हैं अपने लिए तो रेयन में ज़रूर इन्वेस्ट कीजिएगा, आप बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं करेंगे। एंड अच्छा कलीदार इसका स्कर्ट है, मुझे इसका फ्लेयर बहुत ज़्यादा पसंद आता है। एंड इसका जो स्कर्ट है बॉटम आप देख सकते हो सेम फ्रिल्स और रफल्स दिए हुए हैं एंड ऑल ओवर सेम वो गोल्डन फॉइल प्रिंट इस तरह की बूटियाँ दी हुई हैं। ये साइज़ मैंने लिया था मीडियम, मेरा परफेक्ट साइज़ है एक्स्ट्रा स्मॉल, बट एक्स्ट्रा स्मॉल और स्मॉल में ये अवेलेबल नहीं था। आई थिंक ब्रांड बनाता ही नहीं है, ये अवेलेबल है मीडियम से लेके एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लार्ज तक। सो मैंने इसे मीडियम में ही बाय किया था। सो मैंने इसे पूरा अपने फिट के हिसाब से ऑल्टर कराया है। एंड आप जब भी ऑर्डर करा रहे हो रेयन मटेरियल तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, जस्ट लाइक कॉटन, कि आफ्टर वॉश ये थोड़ा सा श्रिंक होता है। ओके, सो ये आउटफिट मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। एंड जिसका दुपट्टा है थर्ड पीस वो इस तरह का है, येलो कलर में ही है सेम, जो कि काफ़ी अच्छी तरह से कॉम्प्लीमेंट करता है इस होल आउटफिट को। बहुत ज़्यादा अगर आपको हैवी लुक नहीं चाहिए तो एक सिंपल सोवर क्लासी आउटफिट ये आपको पसंद आने वाला है डेफिनेटली। आप किसी भी वेडिंग फंक्शन में फेस्टिवल में इसे वेयर कर सकते हो, इवन दिवाली में भी अगर आपको बहुत ज़्यादा हैवी आउटफिट नहीं चाहिए तो आप इसे वेयर कर सकते हो। एंड समर वेडिंग फंक्शन से तो भी काफ़ी अच्छा ऑप्शन है ये। हल्दी फंक्शन में मैंने इसे वेयर किया था एंड इसकी पिक्चर्स शेयर की थी आपसे इंस्टाग्राम पे, आपने देखी होंगी वो। अगर नहीं देखी तो ज़रूर मुझे फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे एंड फेसबुक पे। सो एक परफेक्ट हल्दी फंक्शन आउटफिट है ये। एंड इसका मैं आपको क्लोजअप व्यू दे दूंगी कि किस तरह का इसमें फॉइल प्रिंट दिया हुआ है। सो दुपट्टे में भी ऑल ओवर प्रिंट है एंड इसकी बॉर्डर जो है साइड में कुछ इस तरह की हैं। एंड जो इसका सेकंड साइड होता है ना, उसमें कुछ आप देख सकते हो इस तरह का हैवी और डिज़ाइनर पैटर्न दिया हुआ है। ओके, सो ये आउटफिट मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया, क्वालिटी इसकी अमेजिंग है एंड दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट्स।
सो इसे मल्टीपल वेज में मैं किस तरह से यूज करने वाली हूँ थोड़ा सा मैं आपको आइडिया दे देती हूँ। सो सबसे पहले बात कर लेते हैं इसकी कुर्ती की। सो थोड़ी सी लॉन्ग है इसकी कुर्ती, तो आप जीन्स के साथ या कैप्रीज के साथ इसे स्टाइल कर सकते हैं। समर्स के लिए परफेक्ट ऑप्शन है ये, एंड काफी कूल लगेगा। अगर आप कॉलेज गोइंग गर्ल हैं तो आप इस तरह का ट्राई दे सकते हैं। एंड इसकी स्कर्ट को मैं टीम अप कर सकती हूँ किसी भी प्लेन सॉलिड टॉप के साथ, या इस शर्ट के साथ भी काफी अच्छा लगेगा। जैसे कि अनुष्का शर्मा ने टीम अप किया था शर्ट के साथ स्कर्ट को, तो काफी अच्छा एक पार्टी लुक मैं क्रिएट कर सकती हूँ। एंड अगर टीम अप कर लेती हूँ एक हैवी नेकलेस, तो काफी अच्छा एक वेडिंग लुक भी क्रिएट हो जाएगा। एंड अगर मैं चाहूँ इसके दुपट्टे को इसके साथ टीम अप ना करना, तो एक कुर्ता स्कर्ट सेट मेरा तैयार हो जाता है। एंड अगर इसके दुपट्टे की जगह मैं एक हैवी रिच एंड रॉयल लाइक बनारसी दुपट्टा कैरी कर लेती हूँ, तो एक सिंपल डे पार्टी लुक से हटके मेरा लाइट हैवी पार्टी लुक क्रिएट हो जाएगा। मैंने दुपट्टा के साथ भी कैरी किया हुआ है, मेरा एक न्यू बनारसी दुपट्टा था, तो मैं भी वो पिक्चर आपसे शेयर कर दूंगी, तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि आप किस तरह से सिंपल पार्टी लुक से हटके एक हैवी पार्टी लुक क्रिएट कर सकते हो इस आउटफिट के साथ। छोटी छोटी गोल्डन बूटियां बनी हुई हैं, बट स्टिल मैं इसे कंसीडर कर सकती हूँ सॉलिड आउटफिट। इसका जो कुर्ता है एंड स्कर्ट है सेम कलर में है, सो एक सॉलिड आउटफिट आपको जो होते हैं काफी सारे अपॉर्चुनिटीज देते हैं, लाइक आप काफी सारी उसमें एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं। आप ज्वेलरीज के साथ लाइक आप हैवी नेकलेस वेयर कर सकते हैं, सिंपल नेकलेस के साथ भी आजकल चले हुए हैं, जिस तरह से बोहो नेकलेस भी आप इसके साथ टीम अप कर सकते हो। ईयरिंग्स आप डिफरेंट डिफरेंट ट्राई दे सकते हो इसके साथ, बैंगल्स वगैरह या ब्रेसलेट्स वगैरह। अगर आप शोकेस करना चाहते हो अपने एसेसरीज को, तो आप लाइक हैंडबैग से उन्हें काफी अच्छी तरह से एसेसराइज कर सकते हो, तो काफी अच्छा एक शोकेस हो जाएगा उनका, आपकी ज्वेलरीज और एसेसरीज का। आप डिफरेंट मेकअप लुक क्रिएट करके, हेयर स्टाइल्स करके, या डिफरेंट दुपट्टास के साथ इन्हें टीम अप कर सकते हो। सो जो सॉलिड आउटफिट्स होते हैं काफी अच्छी तरह से आप उनके साथ एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। ओके, सो इस आउटफिट का प्राइस है 1050 रुपीज़, जो कि काफी डिसेंट सा प्राइस है। इसकी क्वालिटी अमेजिंग है, एंड हल्दी फंक्शन में मैंने इसे वेयर किया था, काफी कॉम्प्लीमेंट्स मिले थे, मैंने पहन के इसे डांस भी किया था। सो हर तरह से ये कंफर्टेबल है, एंड मैं कहूंगी मेरी तरफ से हाईली रिकमेंडेशन है, आप डेफिनेटली ट्राई दे सकते हैं इस आउटफिट को। अगर आपको ये पसंद आया है तो आप बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं करेंगे। एंड जिस तरह से मैंने बताया है कि आप मल्टीपल वेज में स्टाइल कर सकते हैं, तो आप डिफरेंट डिफरेंट न्यू आउटफिट लुक्स भी क्रिएट कर सकते हैं। एंड अब बात कर लेते हैं, क्योंकि इसमें फॉइल प्रिंट है, एंड काफी लोगों को डाउट होता है यार फॉइल प्रिंट है, धुलने के बाद या प्रेस करने के बाद वो काला पड़ जाएगा या रिमूव होने लगता है वो प्रिंट, उसका हटने लगता है, छूटने लगता है। सो थोड़ी सी केयर मैं आपसे शेयर कर देती हूँ। आपको मैं रिकमेंड करूंगी हैंड वॉश, मशीन वॉश भी आप कर सकते हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि काफी सारे मेरे पास आउटफिट्स हैं जो कि फॉइल प्रिंट वाले हैं, सो मैं हैंड वॉश प्रेफर करती हूँ उनमें। जब भी आप इन्हें वॉश करना चाहें या प्रेस करना चाहें, तो आप इनके अपोजिट साइड से प्रेस कीजिए, इन कपड़ों को उल्टा लीजिए, एंड अपोजिट साइड से आप प्रेस करेंगे या वॉश करेंगे, तो इनकी जो लॉन्जिविटी है, इनकी जो चमक है, वो लॉन्ग लास्टिंग हो जाती है। आप बिल्कुल हल्का प्रेस रखिए, या आजकल के जो प्रेस होते हैं आयरन होते हैं, उनमें एक आपको ऑप्शन मिल जाएगा रेयन का, सो इसे रेयन पे सेट कर लीजिए, देन आप आयरन कीजिए, तो आपका जो गोल्डन फॉइल प्रिंट है वो बिल्कुल भी काला नहीं पड़ेगा। एंड सबसे अच्छा तो मैं आपको यही बोलूंगी कि आप कपड़े को इस तरह से उल्टा लीजिए, देन प्रेस कीजिए, तो प्रेस का प्रेस हो जाएगा, एंड जो फॉइल प्रिंट होता है वो भी लॉन्ग लास्टिंग हो जाता है। ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट दिस आउटफिट। आई होप आपको ये रिव्यू पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन को भी हिट कर दीजिएगा, ताकि जो भी मैं वीडियोस अपलोड करूँ उनकी नोटिफिकेशंस आपको प्रॉपरली मिलते रहे, मेरा कोई भी वीडियो मिस ना हो आपसे। एक और आउटफिट मैंने बाय किया था इन्हीं से ही, साई क्रिएशन से ही, बट वो लॉकडाउन की वजह से मेरे टेलर के पास अटका हुआ है, तो देखिए मैं कब उसे लेके आ पाती हूँ, देन डेफिनेटली उसका भी रिव्यू प्लस ट्रायल मैं आपसे शेयर करूंगी। सो आप चाहे तो मुझे मेरे सोशल मीडियाज पे भी फॉलो कर सकते हैं, काफी अच्छी अपडेट्स मैं आपसे शेयर करती हूँ वहाँ पे, उनकी लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दी है। सो सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।